नमस्ते शार्क्स। नमस्ते। हम है टीम गिज़्मोस वाला और हम उस चीज के बारे में बात करना चाहेंगे जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। मेरा नाम है नीरव मेहता और ये मेरे को फाउंडर्स पूजा नंदी और रंजन पेरीवाल है और हम एक रजिस्टर्ड स्टार्टअप है सेक्सुअल वेलनेस स्पेस में। ये ऐसा स्पेस है कि कोई भी बात करने से झिझकता है, फिर चाहे वो सिंगल्स हो या कपल्स हो, LGBTQ कम्युनिटी हो या फिर दिव्यांग व्यक्ति हो या फिर मरीज हो, हर एक लोगों को ये प्रोडक्ट की आवश्यकता है। बात करते हैं पैंडामिक की कि जब भी पिछले साल सब मेजॉरिटी ऑफ द इंडस्ट्रीज कम हो रहे थे, तभी एक यही इंडस्ट्री था जो उभर रहा था और हम उस इंडस्ट्री का हिस्सा है। कहा जाता है कि रोटी कपड़ा और मकान एक नॉर्मल आदमी की बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरत है, बट माने या ना माने सेक्सुअल वेलनेस प्रोडक्ट्स भी उतना ही अहम हिस्सा है। Our vision is to be the largest sexual wellness online platform in the country. हमने एक साल की रिसर्च के बाद काफी सेक्सोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स विजिट करके कस्टमर्स का फीडबैक लेकर नवंबर 2020 में हमारे इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। हमारे प्रोडक्ट्स हमारी वेबसाइट www.gizmoswala.com पर उपलब्ध है और इसके साथ साथ ये अन्य मार्केट प्लेसेस, मेडिकल एप्स और हमारे एफिलिएट चैनल्स के द्वारा भी उपलब्ध है। रिपोर्ट्स की माने तो इन प्रोडक्ट्स का भारत में कुल अनुमानित मार्केट साइज 15,000 करोड़ का है और इसका आज भी बहुत बड़ा हिस्सा अनटैप्ड है। अभी तक हम लोगों ने ये प्रोडक्ट्स 3,000+ कस्टमर्स को सक्सेसफुली डिलीवर किए हैं। फ्यूचर में हम चाहेंगे कि हम लोग अपने प्रोडक्ट्स को वाइट लेबलिंग के थ्रू इम्पोर्ट करके भी यहाँ पे सेल करें। हमारी शार्क से मांग है 75 लाख रुपए और उसके सामने हमारी कंपनी में 5% भागीदारी। So come on sharks, join us and take everyone's happiness to new heights. Product hai kya? Yes, so products are Don't worry, you're only on national TV. So men's products mein there are pumps. For women there are what? There for men's product bolo na, aram se bolo. There are pumps. Pumps. Yeah. Aur pumps se kya hota hai bhai? So they are actually enlargement pumps, sir. Enlargement. Yes. Enlargement of what? Penis. आप क्यों झिझक रहे हो यार? आप लोग बेझिझक बात कर रहे हैं और आप झिझक रहे हो, खुद क्या हो रहा है भाई? आप क्यों झिझक रहे हो? पापा देख रहे हैं। So I'll take this, sir. If yes, of course. So ये इसलिए झिझक रहे हैं क्योंकि हम इस वक्त नेशनल टेलीविजन पे हैं। अब तक हमने जो भी बात करी है BTL प्लेटफॉर्म पर करी है, छोटे फोरम्स में करी है। आप समुंदर में कूद गए हो तो तैरना तो पड़ेगा ही ना? हम पूरे तैयार हैं तैरने के लिए, बिल्कुल नहीं झिझक रहे हैं। सो ये जो पंप्स हैं वो पेनिस एनलार्जमेंट पंप्स हैं। ओके, वेरी गुड। देन देयर आर मिनी मास्टरबेटर कप्स, दोज आर फॉर मेन। For women, we have lubricants, we have massagers, wands, or BDSM products bhi hain. Aur of course, the new thing is unique condoms. Women's condoms hain humare paas. What is that? What are women's condoms? Maine suna hai. So ye aise product hai jo of course, because generally apan suna jata hai ki in Tier 2, Tier 3 cities ज़्यादा करके people are still not aware and then they have to go for operation में जाना पड़ता है, वो cockpitty लगानी। तो ऐसे women condoms भी branded मिलते हैं जो आप use कर सकते हैं, जो तो फिर उन लोग जो the women do not need to go through the whole hassle। और आप shock होंगे कि इंडिया में बनाने का 95% is exported, इंडिया में कम use है, people are not aware about these women condoms। आप ये subject को लेके hesitate कर रहे हैं कि आपको सात शाक देख के आपको थोड़ा डर लग रहा है? No, just because of the category, we are definitely proud of it. It is just ki, just ye 2-4 minute hue hai, so otherwise I'm sure you all will love that. No, Nirav, okay. Pooja, Ranjan, first of all, welcome to Shark Tank. Thank you, sir. So, पहले तो आपकी दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो subject है ना, इंडिया में taboo types बोलते हैं उसे, correct? उसमें इतना boldly लोगों के सामने खड़ा होना और TV के सामने बोलना is like a big thing. ठीक है, sharks की वजह से आपने जैसे बोला कि थोड़ा सा आपको नर्वसनेस हो रही है, बट वील मेक यू कम्फर्टेबल एंड इट विल बी नॉर्मल, डोंट वरी अबाउट दैट। कि जब ये स्टार्ट कर रहे थे तो नॉर्मली घर वालों को नहीं सोचते लोग कि ये सोचने से पहले, तो आपके माइंड में ऐसी बातें आई थी? मैं नीरव मेहता, जो हम मैट्रेसेस के बिजनेस थे, मतलब माय फादर हैज बीन इनटू मैट्रेसेस, आई वाज विद हिम, सो मैट्रेस जब भी कोई भी लेने को आता था तो हमेशा कोई झिझक, कोई मस्ती होती थी। अभी न्यूली एंगेज कपल्स भी आते, घर का कोई रिनोवेशन हुए ना हुए, गद्दा नया चाहिए क्योंकि हमारी शादी हो रही है, तो जब भी बोलो कि आपस में बातचीत होती थी तो एकदम फनी वे से होती थी, तो तभी ऐसा माइंड में आता था कि यार कुछ भी करेंगे, समथिंग टू डू विथ स्लीप एनहेंसमेंट, कि स्लीप एक्सपीरियंस कैसा जाए। इसलिए हम लोग ने दो चीज़ पैरेलल चालू की थी, एक था कि नाइट वेयर और एक था कि सेक्सुअल वेलनेस प्रोडक्ट्स। मतलब अभी तक मैं बता रहा हूँ कि कौन से मैट्रेस पे सोना है,
उसके बाद मैं ही बता रहा हूँ कि क्या पहन के जाना है और आप पहन के क्या क्या कर सकते हो ये भी मैं ही दूंगा. सो दैट वॉज द होल स्टोरी वेन वी स्टार्टेड टुगेदर. इसलिए और पहला चीज क्या किया था सर कि हम लोग ने कॉन्डम शेप का विजिटिंग कार्ड, एक प्रॉपर 3D विजिटिंग कार्ड पहले प्रिंट किए थे, फिर पिताजी के पास गए फिर कि ये है. तो पहले तो पापा ने बोला तू कुछ भी करता है क्रिएटिव है, मैं मानता हूँ भाई कुछ भी कर, अच्छा एक काम कर 10 दे, मेरा आज किटी है मैं लेके जाऊंगा. सो द पॉइंट वॉज कि दैट ब्रोक द आइस विद माई फादर. आई मेट नीरव थ्रू अ फ्रेंड, फिर उन्होंने ये आइडिया मेरे साथ शेयर किया और मुझे लगा कि ये काफ़ी सारी विमेन की स्ट्रगल इसमें है. आज भी स्टेटिस्टिक्स बोलते हैं कि 70% ऑफ द विमेन डोंट ऑर्गेजम, मतलब उनको उनको पता ही नहीं है कि प्लेजर होता क्या है इन इन सेक्स ऑनेस्टली. और जब ये नीरव ने मेरे साथ शेयर किया और मैंने मेरे हस्बैंड के साथ शेयर किया, उन्होंने बोला ऑफकोर्स गो अहेड, प्लीज़ गो अहेड एंड डू इट. तो हस्बैंड तो मान गए, देन कम्स parents and in-laws. generation gap. Yes, and मेरे parents traditional हैं, but उन्होंने मुझे हर एक चीज़ में always support किया है. So मैंने मेरी मम्मी से बात करी and मेरी मम्मी की reaction देख के मुझे जो encouragement मिली है, she said पूजा तूने हर एक चीज़ हमेशा अलग करी है और आज तो कुछ अलग करने जा रही है, मैं तेरे साथ हूँ. Wow. And फिर मैंने मेरी mom-in-law से बात करी और वो तो मतलब फेमिनिस्ट टू द नेक्स्ट लेवल. उन दोनों की रिएक्शन देखी, मेरे फैमिली की रिएक्शन देखी, बाकी तो इट डजंट मैटर. दैट्स अमेजिंग. और आप? सो मैं और नीरव एक कॉमन बिजनेस प्लेटफॉर्म से मिले थे और 4-5 साल पहले, और उसके बाद फ्रेंडशिप हुई, सब कुछ हुई. सो मैं एक CA हूँ और फाइनेंशियली कंसल्ट करा था नीरव को क्या करना है कैसे करना है. सो धीरे धीरे और इंटरेस्ट बढ़ता गया क्या कर रहे हैं किस तरह से हो रहा है, तो इसी तरह हम लोग साथ में जुड़े और इस काम को शुरू करा और फैमिली वालों को बोला. सो यस, एवरीवन एक्सेप्टेड कि आपने पूरा स्टडी करा होगा क्या कर रहे हो कैसे कर रहे हो सब कुछ सही कर रहे हो. सो ऑल वर ओके बेटा. कमाल है. वेरी नाइस. आप तीनों फाउंडर्स को-फाउंडर्स हैं? यस. और सेम इक्विटी कैसे स्ट्रक्चर डिवाइडेड है? सो आई हैव गॉट 77%. अच्छा अच्छा. आई हैव गॉट 10%. आई हैव गॉट 10%. नॉट बैड. तो 3% किसके पास रह गए? 3% एक और फ्रेंड है हमारा, उनके पास है. वो क्या करते हैं? स्लीपिंग पार्टनर है. Sleeping partner on your mattress. चलो वेबसाइट देख लेते हैं. दिल की बात जुबान पे आ गई. आई गई. Nice color scheme. So हम एक aggregator है. हमारे पास एक कैटेगरी में एटलीस्ट 9 to 10 वेरियंट्स होते हैं. ये सब ऑल ओवर द वर्ल्ड से अलग अलग ब्रांड्स और अलग अलग प्रीमियम क्वालिटीज के आते हैं. None of the branding has got any obscenity, any nudity, anything. तो Amazon पे मिलता है ना ये सब? Amazon पे भी हमारा है, Flipkart पे भी है, but primarily Farm Easy और 1MG में हमारे products. पर आप import करके आगे sell करते हैं? Yes. आपकी sales कितनी है? So, November 2021 में जो last month गया उसमें हम लोगों ने total 7 लाख की sale करी है और December में already हम लोग करीब 3 लाख की sale कर चुके हैं. 7 लाख की sale महीने की? एक महीने की sale. पिछले महीने? 7 लाख से पहले 6 लाख था, उससे पहले 4.5 लाख था. So, एक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में आ रहे हैं हम लोग. आपका मार्जिन क्या है इस बिजनेस में? सो ग्रॉस मार्जिन इसमें हम लोग 40% अर्न कर रहे हैं. नेट मार्जिन? नेट मार्जिन 20% अभी. अभी आपका बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट कौन सा? फॉर मेन इट इज द कप्स. ओके. फॉर वुमेन इट इज ऑफ कोर्स द मसाजर्स एंड फॉर LGBTQ कम्युनिटी देयर आर दीस बट प्लग्स. अब ऑनलाइन में फॉर एग्जाम्पल अगर कस्टमर एक्वायर करना है या अवेयरनेस बढ़ानी है वो आप कैसे करते हैं, क्योंकि आप फेसबुक एड्स या वो तो रन नहीं कर सकते इस पे. सो जनरली अभी हम लोग ने एक फेडरेशन ऑफ एडल्ट टॉयज इंडस्ट्री शुरू की एंड वी हैव स्टार्टेड गेटिंग ऑल द सेक्सोलॉजिस्ट साइकोलॉजिस्ट. हमारा वेबिनार्स होता है जहाँ पे साइकोलॉजी स्टूडेंट्स आते हैं. द सेक्सोलॉजिस्ट हैव स्टार्टेड रिकमेंडिंग प्रिस्क्राइबिंग द प्रोडक्ट्स. नंबर वन बॉम्बे की गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने हम लोग को इन्वाइट किया है. ऑलरेडी 3 rounds ऑफ मीटिंग हो चुके हैं फ्रॉम द कमिटी. दे वॉन्ट ये लोग को ये प्रोडक्ट्स, एसिड सर्वाइवर विक्टिम्स, कैंसर पेशेंट्स और HIV पेशेंट्स को ये प्रोडक्ट्स बकायदा 50 पीस एट द मोमेंट एज ए ट्रायल रन देना है और उन लोग से एक टेस्टिमोनी कलेक्ट करना है. टेस्टिमोनी जैसे हाथ में आई एंड द कमिटी स्टैम्प्स ऑन इट, तो ये अपन एक इंटरनेशनल जर्नल में भी प्रिंट हो सकता है. मैं आज इससे बाहर हूँ. मेरा आपको ये फीडबैक रहेगा कि आप एक अच्छी टीम है. कैटेगरी में अपॉर्चुनिटी है. आप इसमें और थोड़ा सा डीप में जाके फाइंड अपॉर्चुनिटीज जहाँ पे आप एक नीश लेके प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बना सकते हैं. ठीक है, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ. कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हमेशा रही है मार्केट में, बट IPL ने आके उसको ब्रांड करके, प्रोडक्ट करके, मार्केट करके कैटेगरी बना दी. सिमिलरली यहाँ पे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, छोटे छोटे सोल्यूशन हैं, आप एक को लेके बड़ा कर सकते हैं. आपने ना बहुत ज़्यादा विड्थ में आप चले गए हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है और उसमें भी आप एज पे खेल रहे हैं, तो इसलिए मैं बाहर हूँ. मैं अपना
मेरा डिसीजन भी बताना चाहती हूँ. मैं इससे अभी बाहर हूँ क्योंकि यू नो आई मीन आई विश आई कैन लिव टू सी द डे कि इंडिया में यू नो इसके बारे में अवेयरनेस हो एंड यू नो ऐसे स्टोर्स हों जहाँ थिंग्स लाइक दीज आर अवेलेबल. पर जैसे जिस यू नो वे से सोचा जाता है जो रेगुलेशन बनाते हैं मुझे लाइक अभी भी लगता नहीं है कि आई विल लिव टू सी दैट डे. तो इसलिए मुझे इसमें रिस्क थोड़ी ज़्यादा लगती है. दूसरी प्रॉब्लम यह है कि वर्ड ऑफ माउथ बहुत कम है. लाइक कोई किसी को बताएगा नहीं, यूज़ भी करते हैं तो इट इज़ लाइक देयर डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट. तो ऐसे बिजनेसेस मुझे लगता है उसमें ब्रांड बनाना भी मुश्किल होता है क्योंकि आप इतना बड़ा एंगल ऑफ मार्केटिंग हटा रहे हो. कंप्लीटली अग्री विद विनीता. एज अ वुमन यू नो हमें बहुत बुरा लगता है कि इतनी बेसिक चीज़ के बारे में लोग बात करने से हिचकिचाते हैं. इतने अननेसेसरी रेगुलेशंस आ जाते हैं फॉर समथिंग दैट इज़ अ नेसेसिटी, लग्जरी भी नहीं है. तो बहुत सैड चीज़ है ये, पर अभी ये रियलिटी है. तो उसके वजह से आई एम आउट. बट लाइक विनीता सेड, आई होप आई लिव टू सी अ डे जहाँ यहाँ रेगुलेशन चले जाए और इसके बारे में खुल के बातें कर सकें. थैंक यू. आपने एक प्रोडक्ट की बात की थी विच इज़ विमेन कॉन्डम्स. मुझे लगता है वो एक प्रोडक्ट है जो आप इंडिया में रह के बिल्ड कर सकते हैं, एजुकेशन ड्राइव कर सकते हैं और उससे भी आप जो है बिजनेस आप अपना हीरो प्रोडक्ट शायद बना सकते हैं उसको बिकॉज वो प्रॉब्लम रियल है. तो आई थिंक बिजनेस मॉडल पे अभी थोड़ा सा वर्क करने का ज़रूरत है कि कहाँ ज़्यादा फोकस डालें. एंड फॉर दैट रीज़न टुडे आई एम आउट. देखिए आपने मुद्दा बहुत अच्छा उठाया है, सभी कह रहे हैं और सभी आपसे एक ही बात कर रहे हैं तो मैं भी आपको बता ही देता हूँ. देखिए आपका टैम टोटल मार्केट भी लग रहा है बढ़ेगा, आप टीम भी काफ़ी पैशनेट हो, एरिया भी ऐसा है कि आदमी पैशनेट हो ही जाता है ना? लेकिन टाइमिंग जो है रेगुलेटोरी वाइज थोड़ा क्लियर नहीं. और इस वजह से और क्योंकि मुझे खुद खुशी नहीं करनी, मैं इससे बाहर. मेरा भी यही डिसीजन है. एक तो यू नो ये हम इस कंट्री में रहते हैं जहाँ कॉन्डम भी खरीदने के लिए ब्लैक पैकेट में देते हैं वो लोग, यू नो केमिस्ट को भी शर्म आती है और जो मांगने जाता है उसको भी शर्म आती है. सो आई थिंक ये टॉपिक अभी टैबू है, इसका एजुकेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट. अगर आप लोग अपनी साइड को थोड़ा सेक्स एजुकेशन की तरफ लेके जाओगे तो शायद इसमें इट विल बी गुड फॉर द कंट्री इटसेल्फ. और फॉर दैट रीजन ऑल्सो आई एम आउट. मेरे को यार इस सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, ये कैटेगरी गवर्नमेंट ये सब झेल लेंगे. तुम में दम होना चाहिए और प्रोडक्ट सही होना चाहिए. मेरे को वो ही नहीं दिखा. मतलब नाम देखो आप गिज़मोज़ वाला, ठीक है मेरे को नहीं पता क्या गिज़मोज़ बेच रहे हो या आप वेबसाइट बनाई है या प्रोडक्ट बेच रहे हो, वो भी क्लैरिटी नहीं है आप में. मेरे को वैसे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस कम लग रहा है. झिझक है, इतनी रिस्की कैटेगरी में झिझक वाला फाउंडर तो चार दिन भी नहीं चलने वाला. तो मैं इससे भाग. तो अभी सारे शार्क्स आउट हैं. थैंक यू. Thank you so much. Thank you guys. Thank you. Pleasure meeting you. Best of luck.